भाइयों, राष्ट्र से बढ़कर के कुछ नहीं हो सकता। राष्ट्र तब सशक्त होगा जब हम एक रहेंगे, नेक रहेंगे। आप देख रहे हैं ना, बांग्लादेश में देख रहे हो ना, तो वो गलतियां यहां नहीं होनी चाहिए। कटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो नेक रहेंगे। भारत को बांग्लादेश से वो क्यों कंपेयर कर रहे हैं? बांटेंगे तो कटेंगे, भाई आप ही तो बांट रहे हैं। कौन बांट रहा है? आप ही तो बांट रहे हैं। ये इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उनको नजर आ रहा है कि उन्हीं की पार्टी के लोग उनको हटाना चाहते हैं मुख्यमंत्री के पद से, तो शायद वो बीजेपी को कह रहे हैं। बहन और भाइयों, राष्ट्र से बढ़कर के कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता। और राष्ट्र तब सशक्त होगा जब हम एक रहेंगे, नेक रहेंगे, तभी नेक रहेंगे। बटेंगे तो कटेंगे। आप देख रहे हैं ना, बांग्लादेश में देख रहे हो ना, तो वो गलतियां यहां नहीं होनी चाहिए। कटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो नेक रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे और समृद्धि की पराकाष्ठा को पहुंचेंगे। हमें विकसित भारत की संकल्पना को साकार करने के लिए कार्य करना है। मैं एक बार फिर से राष्ट्रवीर दुर्गादास राठौर जी के इसी चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए, आज उनकी भव्य प्रतिमा यहाँ पे लगी है, राष्ट्र के प्रति समर्पण और श्रद्धा का भाव जिन्होंने अपने शौर्य और पराक्रम से दिया था। भारत को बांग्लादेश से वो क्यों कंपेयर कर रहे हैं? और क्या वो ये कहना चाह रहे हैं कि भारत की जनता देश की वफादार ना रहे बल्कि मोदी की वफादार रहे? और अगर नहीं करेंगे तो जिस तरह शेख हसीना ने बांग्लादेश में मासूम लोगों पर गोलियां चलवाई, क्या वो गोलियां चलवाएंगे? अब वो बात करते हैं देश की यूनिटी के बारे में, तो यूनिटी देश की कब होगी? जब इंसाफ होगा। और खुद योगी ने उनके राज में कई फॉल्स एनकाउंटर्स हुए अल्पसंख्यक समाज मुसलमानों के, उनके राज में आज भी बुलडोजर के जरिए मुसलमानों के घरों को तोड़ दिया जाता है, तो और उन्हीं के राज में लोग बोलते हैं कि मुसलमानों का क्या जेनोसाइड नरसंहार हो, वो खुद हेट स्पीच देते हैं मुसलमानों के बारे में। योगी ने खुद कहा था ठोक देंगे, तो जब वो खुद इस तरह की बातें करते हैं और देश की अखंडता और यूनिटी की बात जब वो करते हैं, तो उनके मुंह से जब इतने सब अनाप शनाप बातें निकलती हैं, तो फिर वो तो कुछ और ही बात कर रहे हैं। तो बांटेंगे तो कटेंगे, भाई आप ही तो बांट रहे हैं। कौन बांट रहा है? आप ही तो बांट रहे हैं। आप ही ने कहा था कि इस बाय इलेक्शन जो होने जा रहे हैं उसमें मुसलमान और यादव ऑफिसर्स नहीं होना चाहिए। तो ये सब बातें जो है ये इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उनको नजर आ रहा है कि उन्हीं की पार्टी के लोग उनको हटाना चाहते हैं मुख्यमंत्री के पद से, तो शायद वो बीजेपी को कह रहे हैं कि बटेंगे तो कटेंगे। तो ये इनका इनसिक्योरिटी है, उनकी अनपॉपुलैरिटी है उत्तर प्रदेश में। और फिर वो भूल गए कि जब देश की अखंडता की बात कर रहे हैं तो जो डिफेंस की जमीन थी उन्होंने इंडस्ट्रियलिस्ट को दे दिया वहां पर, तो ये सब इनका रिकॉर्ड रहा है। तो इसलिए वो बोखलाहट का शिकार होकर अपने हजबे आदत सिर्फ मुसलमानों को निशाना बना रहे हैं अपनी हेट स्पीच के जरिए। राष्ट्र से बढ़कर के कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता। और राष्ट्र तब सशक्त होगा जब हम एक रहेंगे, नेक रहेंगे, तभी नेक रहेंगे। बटेंगे तो कटेंगे। मुख्यमंत्री की बातें न्यारी है कि हिंदू एक रहें। अब हिंदू किसको मानते हैं? जो भारतीय जनता पार्टी में रहे वही हिंदू रहेगा।
बांटने का और काटने का तो काम आप ही कर रहे हैं, और आज आप यही बात और यही हम लोगों को कहने की कोशिश करें क्यों। बांग्लादेश के ऊपर जो आपने बड़ी बड़ी बात आपने बोला है, और यहाँ पर आप बनारस के अंदर आप यात्रा निकालते हो, हिंदू जागरण करते हो, और यह बताना आपने भूल रहे हो कि शेख हसीना जी को कहाँ रखा है। ऐसे लोगों से जो देश को बांटना चाहते हैं, अखिलेश, राहुल गांधी और अन्य क्षेत्रों में भी हम देख रहे हैं, उन लोगों से देश को सावधान करते रहे। हम देशवासी और हमें अपने देश के सभी और प्रदेश के और नगर के सभी सम्मानित बुजुर्गों पर, सभी सम्मानित माताओं पर, बहनों पर और नौजवानों पर और सब पर बहुत बड़ा मैं अपने को भाग्यवान समझता हूँ, भाग्यशाली मानता हूँ, और ये देश का गौरव रहा है कि जब भी देश के ऊपर कभी भी किसी प्रकार का बाह्य संकट आया है, चाहे चीन का आक्रमण रहा हो, चाहे और 65-66 में देश के ऊपर हमला रहा हो, हमारे देशवासियों ने राजनीति से ऊपर उठकर, धर्म से ऊपर उठकर सभी लोगों ने देश की रक्षा का काम किया है, ये इतिहास गवाह है। तो जहां तक आदरणीय मुख्यमंत्री जी के बयान को आप कोट कर रहे हैं, तो उनकी तो बातें न्यारी है, मुख्यमंत्री की तो बातें न्यारी है कि हिंदू एक रहें। अब हिंदू किसको मानते हैं? जो भारतीय जनता पार्टी में रहे वही हिंदू रहेगा क्या? हम लोग हिंदू नहीं हैं? यहाँ जितने लोग बैठे हैं ये आप देख लो, ये जितने लोग बैठे हैं सभी हिंदू हैं, सब जात बिरादरी लोग हैं, पंडित भी हैं, ठाकुर भी हैं, यादव भी हैं, सब बिरादरी लोग बैठे हैं, ठाकुर भी बैठे हैं। तो हमारा देश हमेशा एक रहा है, अनेकता में एकता, अनेकता में एकता का भाव रहा है, यही भाव रहेगा। गंगा जननी संस्कृत है, यही रहेगी। अब वो कि हिंदू एक रहे, अरे भाई सारे लोग हिंदू हैं, तो इसका मतलब है कि जो भारतीय जनता पार्टी में है वो हिंदू रहेगा, तो भारतीय जनता पार्टी से जो अलग है वो हिंदू नहीं, यही तो है ना। तो इनका कुछ, इनके सामने कुछ तो है नहीं काम। बहुत ही भारी स्टेटमेंट दिया है, पर बांटने का और काटने का तो काम आप ही कर रहे हैं, और आज आप यही बात और यही हम लोगों को कहने की कोशिश करें क्यों, क्योंकि आपकी क्या सीटें कम हो गई हैं, अब आपको सबका साथ चाहिए। बोलते तो आए थे आप सबका साथ सबका विकास, पर बुलडोजर तो आप एक तरफा ही चला रहे हैं, तो ये आपको बोलने पे शोभा नहीं देता, क्योंकि बांट भी आप रहे हैं और काट भी आप रहे हैं। वही मैं कहने कहा कि फिर बांग्लादेश के ऊपर जो आपने बड़ी बड़ी बात आपने बोला है, और यहाँ पर आप बनारस के अंदर आप यात्रा निकालते हो, हिंदू जागरण करते हो, और यह बताना आपने भूल रहे हो कि शेख हसीना जी को कहाँ रखा है। मोदी जी ने यह जरूर देश की जनता को, अब बनारस की जनता और काशी की जनता को जरूर बताइए। हमारे प्रधानमंत्री जी के 5 संकल्प में इस एक संकल्प है कि जाति, भाषा और क्षेत्र के नाम पर जो बांटने का प्रयास करते हैं उनसे सावधान रहना चाहिए। और यही हमारे मुख्यमंत्री जी ने भी कहा कि बटोगे तो कटोगे, और उन्होंने उदाहरण दिया बांग्लादेश का, और ये सही भी है। 1947 के अंदर भी हम बटे तो हम कटे, और आज भी राहुल गांधी और अखिलेश यादव जी हिंदुओं को जिस तरह से जाति के नाम पर बांटने का प्रयास कर रहे हैं वो खतरनाक एक मोड़ है। और यही नहीं, राहुल गांधी यहां पे बोलते हैं कि यहां पे दलित ओबीसी के नाम पर आपको एक दफे सेंसस होना चाहिए, बहाना सेंसस का है। अब वही चीज राहुल गांधी जब जम्मू कश्मीर में जाते हैं तो नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ वो समझौता करते हैं, और आर्टिकल 370
को वापस लाने की बात करते हैं और आर्टिकल 370 के तहत ओबीसी, दलित और जो पहाड़ी समाज है, गुर्जर समाज, उन लोगों को रिजर्वेशन मिलता नहीं। तो एक तरफ आप जम्मू कश्मीर में कुछ और वादा कर रहे हैं, यहां पर कुछ और कर रहे हैं, तो आप देश को जो बांटने का प्रयास कर रहे हैं। इसीलिए कहा गया है, यही संकल्प है कि जो जाति और क्षेत्र और भाषा के नाम पे बांटने का प्रयास करते हैं इस देश में, उनसे सावधान रहना चाहिए। और यही हमारे मुख्यमंत्री जी ने लिखा है। देखते हुए कहा समसामयिक है इस समय, देखिए ये मैं नहीं कहूंगा, हमारे जो प्रधानमंत्री जी हैं और हमारी जो सरकार है, चाहे वो केंद्र में हो राज्य में, हम लोग बहुत सक्षम हैं, हम लोग देश की एकता अखंडता को बना के रखेंगे। मगर हमारा ये भी काम है कि इन ऐसे लोगों से जो देश को बांटना चाहते हैं, अखिलेश, राहुल गांधी और अन्य क्षेत्रों में भी हम देख रहे हैं, उन लोगों से देश को सावधान करते रहे। श्रेष्ठ उत्तराखंड पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ उत्तराखंड।